नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में और मैं आज आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बढ़िया सेशन लेके आया हूँ और ये वीडियो अंत तक देखना जो बच्चा इस वीडियो को क्लिक करता है दिल खुश हो जाएगा दोस्तों लास्ट तक देख के फुल भर भर के आपको कमेंट मिले ए, कंटेंट मिलेगा जानदार क्लास होगी शानदार क्लास होगी दोस्तों एक बार इस क्लास को कम्प्लीट पूरा जरूर देखिएगा बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए क्लास मनाई है दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 22 मार्च 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना दोस्तों तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली है जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दोस्तों ये अपने भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है तो बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड तथ्यों में और देखते हैं क्या हुआ था कि विश्व गुण विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड के एक संगठन आई क्यू एयर द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों और ये देखिए ये दिल्ली का फोटो है दोस्तों यहाँ पे कितना पोल्यूशन हुआ है और ये क्लास दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों साल 2018 से ही क्या है कि साल 2018 से अभी तक चार बार दिल्ली दिल्ली है जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है कब से दो से और भारत का उस वार्षिक पी एम टू पॉइंट फाइव से फिफ्टी फोर पॉइंट फोर माइक्रोग्राम प्रति मीटर है दोस्तों ये वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट है दोस्तों पीएम वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट होती है बात करते हैं आगे दोस्तों सबसे प्रदूषित शहरों में और किसका नंबर आया है बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है दोस्तों जबकि पाकिस्तान है जो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है ये भी याद रखिएगा और भारत एक देशों में तीसरा सबसे खराब गुणवत्ता वायु वाला गुणवत्ता वायु वाला दोस्तों देश बना है इंडिया है जो एक देशों में तीसरे स्थान पर आया है दोस्तों खराब में सबसे खराब है बांग्लादेश फिर पाकिस्तान और तीन नंबर पर इंडिया है दोस्तों बात करते हैं आगे दोस्तों जबकि बिहार के बेगूसराय का बेगूसराय का दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र करार दिया है बिहार का जो बेगूसराय है दोस्तों सबसे प्रदूषित महानगर बना है जबकि दुनिया का ग्यारह सबसे प्रदूषित शहरों में दस भारत के ही हैं दोस्तों तो भारत ने टॉप कर दिया है दोस्तों प्रदूषण के मामले में ये भी आप याद रखिएगा इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि 2024 के प्रमुख सूचकांक देखते हैं जहां अपनी क्या क्या रैंक आई है दोस्तों 2024 के प्रमुख सूचकांकों में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 108 है पहला स्थान डेनमार्क का है दोस्तों याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक कितनी आई है एक आई है वहीं पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट है दोस्तों आगे देखते हैं और सूचकांक इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारतीय तिरानवे नंबर पे है जबकि पहले नंबर पे है दोस्तों डेनमार्क यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है और आर्यटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 66 में छियासठवें नंबर पे भारत आया है जबकि यू ए सऊदी सा, संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात का स्थान दोस्तों पहला है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक सातवीं है जबकि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है डेनमार्क चौथा एस्टोनिया पाँचवा और फिलीपींस का स्थान आया है दोस्तों ये छठा है लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी आई है इकतालीस जबकि फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों नॉर्वे कौन से में लोकतंत्र सूचकांक में ये भी आप याद रखिएगा अगला है दोस्तों ले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत फर्स्ट हाफ 2024 में पिचासीवें नंबर पे आया जबकि जापान सिंगापुर स्पेन और फ्रांस इटली जर्मनी ये पहले स्थान पे आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूच बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक बयालीसवें है दोस्तों जबकि फर्स्ट यूएसए अमेरिका का स्थान आया है दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा आगे देखते हैं दोस्तों तेंदुआ रिपोर्ट में भारत में तेरह हज़ार आठ सौ चौहत्तर तेंदुए हैं दोस्तों तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में कितने मिले हैं उनचालीस सौ सात तेंदुए मध्य प्रदेश में यानी एमपी तेंदुओं का घर कहलाता है दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइप चौबीस का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था दोस्तों ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ चौबीस से बात करते हैं मुख्य तथ्य की दोस्तों तो मुख्य तथ्य में दिया है कि ये नेवी कर रही है दोस्तों अपनी नेवी इंडियन आर्मी और ये यू की आर्मी इस साइड है भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी बढ़ाने के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है ट्राइगर ट्राइफ का चौबीस का आयोजन किया जा रहा है ये जो आयोजन कब से कब तक होगा 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित किया गया है दोस्तों ये भी याद रखेंगे बात करते हैं आगे दोस्तों इसी अभ्यास के बारे में और देखते हैं तथ्य ट्राइगर ट्राइफ का पहला संस्करण दो में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास देखते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं भारत और यूएसए के बीच वज्र वज्रपरार युद्ध अभ्यास अभ्यास तर्कस कोप इंडिया मालावार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है दोस्तों कौन सा मालावार बात करते हैं आगे दोस्तों प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में देखते हैं मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है जबकि अयोध्या होता है दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ती युद्धाभ्यास होता है ये होता है भारत मालदीप और श्रीलंका के बीच जबकि मित्र एक्सरसाइज ये होती है दोस्तों मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है समुद्र शक्ति किस किस के बीच होता है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच है। ये अपने कुछ युद्ध अभ्यास थे दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराए हैं आगे देखते हैं अन्य युद्ध अभ्यास दोस्तों थोड़े और बचे हैं एक्यूबेरियम भारत और मालदीव के बीच होता है डोमेस्टिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच खंजर होता है दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच ऑपरेशन बोर्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है ये भी आप याद रखिएगा आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों अपने मतदाताओं के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले बात करते हैं मुख्य तथ्य की दोस्तों तो मुख्य तथ्य में दिया है कि नो योर कैंडिडेट के ऐप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं यानी जो वोट देने जाएगा दोस्तों वो कौन से कैंडिडेट को वोट दे रहा है उसका अपराध इसके रिकॉर्ड उसकी पूरी जानकारी के वाई ऐप के द्वारा ये मतदाता ग्रहण कर सकता है आगे देखते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होगा चुनावी प्रतिक्रिया में पारदर्शा और जवाबदेही लाना ही ये इसका उद्देश्य है दोस्तों जबकि उम्मीदवारों को समाचार पत्रों टेलीविजन पर तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना आवश्यक होगा यानी जिस जिस उम्मीदवार ने कुछ कांड किए हैं तो वो समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर तीन बार खुलासे कर सकता है ये उसके लिए आवश्यक है दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों भारत के चुनाव आयोग के बारे में दोस्तों देखते हैं भारत का चुनाव आयोग गठन कब हुआ था स्थापना पच्चीस जनवरी दो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों यह देश में लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है दोस्तों कौन भारत का चुनाव आयोग बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अनुच्छेद तीन से तीन के बीच चुनाव आयोग संबंधित है दोस्तों और वर्तमान में अपने चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार है ये भी याद रखिएगा चुनाव आयुक्त तो भी हैं दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त तो है राजीव कुमार है, जबकि अन्य ज्ञानेश्वर कुमार और सुखवीर संधू जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए थे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कुछ ऐप लॉन्च किए गए सरकार द्वारा चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उन ऐप के बारे में और पोर्टल के बारे में देखते हैं दोस्तों प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया था अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद ने अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए थे दोस्तों आगे कुछ और बचे हैं दोस्तों पोर्टल उनको भी देखते हैं साथ ही पोर्टल किया था कृषि मंत्रालय ने कॉल वी फॉर यू डिग किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबकि पैरी ऐप किया था बी एस एफ एवं गृह मंत्रालय ने दोस्तों जल दूत ऐप लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके अलावा स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों तो इस क्वेश्चन में पूछा है पूर्वोत्तर खेल दो का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों पूर्वोत्तर खेल 2024 का कौन सा एडिशन थर्ड एडिशन शुरू हो गया है दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं मुख्य तथ्य की दोस्तों तो मुख्य तथ्य में है कि नागालैंड के मंत्री नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधारित तौर पर शुरुआत कर दी है दोस्तों पूर्वोत्तर खेल दो का आयोजन अठारह से तेईस मार्च दो चौबीस के बीच किया जाएगा कि इस खेल का आयोजन उत्तर पूर्वी के सभी राज्य हिस्सा लेंगे दोस्तों इस आयोजन में उत्तर और पूर्व के सभी राज्य क्या करेंगे हिस्सा लेंगे बात करते हैं आगे दोस्तों मुख्य तथ्यों में यह उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच एकता और एकता एकताजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक पर्याप्त साधन है दोस्तों ये खेल और पंद्रह विश्व में पंद्रह विश्व में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी विश्व में कितनी विश्व में पंद्रह खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहला आयोजन 2018 में हुआ था दोस्तों याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं ये दोस्तों दोस्तों कहाँ आयोजन हो रहा है ये पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ नागालैंड मणिपुर मिजोरम यहाँ ये आयोजन हो रहा है दोस्तों आप याद रखिएगा ये इंडिया का मैप अपना आगे देखते हैं दोस्तों इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर और भी बचे हैं डब्ल्यू पी का खिताब किसने जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को राके अपने नाम किए दोस्तों वहीं रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता है विद्रव को राके मुंबई ने बयालीसवें बार खिताब जीत लिया है दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों वहीं इसके अलावा यशस्वी जायसवाल सदरलैंड को यशस्वी जायसवाल है ना दोस्तों उसने सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है यशस्वी जायसवाल सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दोस्तों इसके अलावा सात्विक और चिराग ने बी डब्ल्यू एफ फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है दोस्तों ये भी आप हाँ याद रखिएगा इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर में और देखते हैं इंग्लैंड के जेम्स एडरसन सात टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों ये एडरसन जी की फ़ोटो है और खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है बात करते हैं कुछ और कर, करंट अफेयर के साथ दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर साई परिणीत ने बैडमिंटन से क्या है सन्यास ले लिया दोस्तों ये साई परिणीत जी की फोटो आप है? देख सकते हैं दोस्तों ये साई परिणीत है इन्होंने बैडमिंटन के खिलाड़ी है और बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विनय कुमार ने देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए विनय कुमार कौन से देश में बनाए गए रूस राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रूस में विनय कुमार भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं बात करते हैं मुख्य तथ्यों में दोस्तों ये विनय कुमार की फोटो है और भारत ने विनय कुमार को रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया है विनय कुमार अब तक विनय कुमार जो अब तक थे म्यांमार में भारत के एम्बेसडर थे दोस्तों रूस के राजदूत के रूप में वह पवन कपूर का स्थान लेंगे किसका स्थान लेंगे पवन कपूर का बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों विनय कुमार जी के बारे में विनय कुमार 2018 से 20 तक अफगानिस्तान में भारत डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं कहाँ कर चुके हैं अफगानिस्तान में दोस्तों वे भारतीय विदेश सेवा के उन्नीस सौ बानवे के के अधिकारी हैं यानी आई एफ ए इंडियन फॉरेन ये सेवा होती है दोस्तों फॉरेन सर्विस के ये आई एफ एस आई एफ ए नहीं आई एफ एस के ये अधिकारी हैं दोस्तों याद रखिएगा आईएफएस अगला है दोस्तों रूस के बारे में जानते हैं रूस ये रसिया का देश है दोस्तों ये रसिया है वर्ल्ड का मैप है आपके सामने राजधानी होगी मॉस्को राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन प्रधानमंत्री मिखाइल मिटु मि, मिशूटिन और यहाँ के मुद्रा क्या है दोस्तों रूबल और रूसी संसद को कहते हैं ड्यूमा क्या कहेंगे ड्यूमा बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्रमुख नियुक्ति राजदूतों के बारे में तुर्कमेनिस्तान में मधुमिति हजारिका बनी है दोस्तों ये राजदूत नियुक्त किया अंकोला की विदू पी नायर नियुक्त हुए जबकि चेक गणराज्य की रवीश कुमार डेनमार्क के मनीष प्रभात और ग्रेन ग्रेंडा डोमिनिस्टा के प्रदीप राजपुरोहित को नियुक्त किया गया दोस्तों आगे दोस्तों कुछ और नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं फिनलैंड के हिम्मत एच कोटल को कोटलतवार को नियुक्त किया जबकि उज्बेकिस्तान मिश्ता पंत को बरुण्डी में उपेंद्र सिंह रावत को गिनी पिसाऊ गिनी बिसाऊ में दिनकर आस्थाना को और मोजाम्बिक में रॉबर्ट सेट टांग को नियुक्त किया है दोस्तों राजदूत के रूप में बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री 2024 में देखते हैं प्रथम दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी है कैप्टन फातिमा बसीमी भी याद रखिएगा वहीं मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथिम भारतीय महिला कौन है दोस्तों डॉक्टर अक्षिता करुणामूर्ति कृष्णामूर्ति है, है दोस्तों याद रखिएगा आगे दोस्तों समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने, करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बनाए नेपाल बनाए जबकि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन से बने नरेंद्र मोदी बने दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री में स्टैम्प पेपर की कलर क्रोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है पंजाब जबकि विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है अबू धाबी यू में लगाया गया है दोस्तों दुनिया का पहला थ्री प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनेगा तेलंगाना में बनेगा दोस्तों ये कुछ प्रथम थे प्रथम से रिलेटेड अपने फैक्ट और करंट अफेयर कराए थे दोस्तों मैंने आपको कुछ और भी बाकी है समान संहिता नागरिकता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनाया है ये बना उत्तराखंड दोस्तों सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान जबकि देश का पशु सब पशु सब्दाह ग्रह कहा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ये भी आप ध्यान रखना नेक्स्ट है दोस्तों इसरो प्रमाणन प्राप्त करने वाला इसरो से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है कहाँ भोपाल का, का पुलिस स्टेशन है जबकि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर बनाए तमिलनाडु का ये भी आप याद रखना दोस्तों आगे दोस्तों छठा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर पूछा है कि तेलंगाना राज्य के और पुंडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसी ने दिया गया है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सी पी राधा कृष्णन जी को ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों तेलान तेलंगाना के राज्यपाल और पुंडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार दिया गया है बात करते हैं मुख्य तथ्य के दोस्तों तो ये है राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुण्डुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है दोस्तों आगे देखते हैं मुख्य तथ्य में इससे पहले तमिल साई सुंदर राजन तेलंगाना के राज्यपाल और पुण्डुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रखी थी दोस्तों ये तमिल साई सुंदर राजन दोस्तों इस्तीफा दे दिया उन्होंने सीपी पी राधाकृष्णन दो से झारखंड के दस में और वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा बात करते हैं आज आगे, आगे राधा कृष्णन के बारे में दोस्तों राधाकृष्णन दो हज़ार से 19 तक अखिल भारतीय केयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट है दोस्तों सभी राज्यों के राज्यपाल देखते हैं आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर अरुणाचल प्रदेश के केवल्य त्रिक्रम पर हैं दोस्तों असम के गुलाबचंद कटारिया बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं जबकि झारखंड के सी पी राधा ये आप याद रखना बात करते हैं आगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं वो हैं दोस्तों विश्वभूषण हरीश्चंद्र गोवा के पी पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत दोस्तों हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं जबकि हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल राज्यपाल बने हैं याद रखना दोस्तों आगे दोस्तों कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं जबकि मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं महाराष्ट्र के रमेश बेस हैं दोस्तों मणिपुर के सुश्री अनुसुईया उइके हैं दोस्तों ये आप याद रखिएगा आगे दोस्तों मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान जबकि मिजोरम के डॉक्टर कम्भमपति हरीबाबू और नागालैंड के ला हैं दोस्तों ओडिशा के हैं रघुवर दास है, ये भी आप याद रखिएगा बात करते हैं दोस्तों आगे राजस्थान के राज्यपाल ये फोटो है दोस्तों कलराज मिश्र हैं सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं तमिलनाडु के आर एन रवि हैं दोस्तों जबकि तेलंगाना के सी पी राधा अतिरिक्त प्रभार मिला है दोस्तों साथ में झारखंड के राज्यपाल भी हैं याद रखिएगा है आगे हैं दोस्तों त्रिपुरा राज्य की नल्लू इंद्र सेन्हा रेड्डी हैं उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह हैं पश्चिमी बंगाल के डॉक्टर सी वी आनंद बोस हैं दोस्तों ये भी आप याद रखना आगे दोस्तों सातवां क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नेपाल ने दोस्तों पोखरा को अपनी राजधानी बनाया है बात करते हैं दोस्तों मुख्य तथ्य में कि नेपाल की सरकार ने नेपाल सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने का क्या लिया है फैसला लिया है दोस्तों जबकि इसके अलावा पर्यटन राजधानी घोषित करने से पोखरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में क्या मिलेगी मदद मिलेगी दोस्तों याद रखना आगे दोस्तों नेपाल के बारे में देखते हैं नेपाल दोस्तों अपने इंडिया के कहाँ हैं ये इंडिया के उत्तर पूर्व में दोस्तों ये नेपाल की लोकेशन है दोस्तों राजधानी है काठमांडू राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं प्रधानमंत्री है पुष्प कुमार दहल पुष्प कमल दहल दोस्तों और यहाँ मुद्रा चलती है दोस्तों नेपाली रुपया और नेपाल के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच होती है याद रखना आगे दोस्तों नेपाल के बारे में कुछ और तथ्य देखते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सिक्किम के साथ क्या है नेपाल की सीमा लगती है दोस्तों सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बनाए नेपाल बनाए दोस्तों आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यह बनाया जाता है दोस्तों बीस मार्च को ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बात करते हैं मुख्य तथ्य में हर साल दुनिया भर में बीस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे बनाया जाता है इस दिन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना और अपने जीवन में खुशहाली के महत्व को अहमियत देना है दोस्तों यानी खुशहाल रहना खुश रहना दोस्तों ये लक्ष्य है बात करते हैं आगे दोस्तों पहली बार पहली बार यह दिवस दो हज़ार तेरह में यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा बनाया गया था थीम दो हजार चौबीस की थीम क्या है खुशी के लिए पुनः जुड़ना लचीले समुदायों का निर्माण करना इसकी थीम है दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं आगे दोस्तों हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है जबकि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा अगला है दोस्तों मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस देखते हैं एक मार्च को सुन्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है एक मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है जबकि तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों और तीन मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है दोस्तों आगे हैं दोस्तों चार मार्च को है जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये और दस मार्च को सी दिवस मनाया जाता है जबकि पंद्रह मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है जबकि सोलह मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों कुछ और दिवस हैं उनके बारे में देखते हैं दोस्तों जबकि बीस मार्च को विश्व गोरैया दिवस इक्कीस मार्च को विश्व वानिकी दिवस इक्कीस मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस दोस्तों जबकि बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तेईस मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, दिवस मनाया जाता है नौवा क्वेश्चन है दोस्तों आई ए गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है गूगल डीप माइंड द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है गूगल डीप माइंड द्वारा बात करते हैं सीमा के बारे में क्या है दोस्तों सीमा ये लॉन्चिंग कर दी गई स्केबल इंडस्ट्रियल मल्टीवर्ड एजेंट गूगल डीप मार्ट ने अपना नवीनतम ए आई गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया है सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं महत्वपूर्ण तो करंट अफेयर में दोस्तों अमेरिका स्थिति क्रो, क्रो, क्रोगिशन नामक कंपनी ने डेविन नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है दोस्तों आईआईटी और आईआईटी और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर हनुमान नाम का ए आई चैटपोर्ट लॉन्च किया है दोस्तों जबकि दुनिया की पहली ए आई है जो मीका नाम की बनी है दोस्तों याद रखिएगा कुछ और करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों भारत की पहली क्षेत्रीय ए आई न्यूज़ एंकर कौन सी है लिस आई से ओडिशा टी वी ने लॉन्च किया है दोस्तों ये ए आई की फ़ोटो है ना कि कोई रियल लेडीज़ की है दोस्तों किसकी फ़ोटो है ये ए आई की फ़ोटो है दोस्तों याद रखना और इसके अलावा भारत का पहला ए आई स्कूल तिरुवंतपुरम के केरल में स्थापित किया गया जिसका नाम शांतिगिरी विद्यापीठ है दोस्तों शांतिगिरी विद्या भवन है ये है दोस्तों ए इसका नाम क्या है लिस आई आई ये दोस्तों याद रखिएगा अगला है दोस्तों भारत की पहली ए टीचर कौन सी है ये टीचर है दोस्तों ए आई आयरिस नाम है इसका यह ए टीचर केरल के के टी सी टी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य कर रही है ये बच्चों को पढ़ाती है दोस्तों रोबोट सिस्टम से रोबोट जैसी एक सिस्टम है ए आई टीचर है दोस्तों इसका नाम है आयरिस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन निशानेबाज अखिल शोराण और अनिश बानवाला ने पोलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल दोस्तों कौन से निशानेबाज अनिस चौराण और अनीश अखिल चोराण और अनिश बनवाला ने बात करते हैं मुख्य तथ्य की दोस्तों तो निशानेबाज अखिल चौराण और अनिस भानवाला ने पुलिस ग्रांड पिक्स में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों पुलिस ग्रांड पिक्स का आयोजन पोलैंड में आयोजित किया जाता है कहाँ होता है दोस्तों पोलैंड में इसके अलावा देखते हैं दोस्तों भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजों ने पुलिस ग्रांड पिक्स में दो स्वर्ण और कुल छः पदक जीते हैं दोस्तों यानी अपनी जोली में कितने गोल्ड आए है? हैं गोल्ड आए हैं दोस्तों दो ये इंडियन निशानेबाज हैं दोस्तों अनिल चौरान ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में थ्री पोजिशन स्पर्धा में चार अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं दोस्तों पुलिस ग्रांड में भारत के अन्य पदकों में आशीष चौकसिन ने क्या जीता रजत पदक श्रीका सादगी ने कांस्य पदक और नीरज कुमार ने दो कांस्य पदक देते हैं दोस्तों याद रखिएगा अगला है दोस्तों ये है दोस्तों इक्कीस मार्च 2024 के करंट अफेयर का मैं करता हूँ रिवीजन भारतीय महिला लीग 2024 का खिताब किसने देता है दोस्तों ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संगीत संगीत कला निधि क्या दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार दो हजार चौबीस से किसे चुना गया टीएम टी एम कृष्णा को चुना गया दोस्तों इसके अलावा देखेंगे कि तमिल तमिल साई सौंदर्य राजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य की थी दोस्तों और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैन्य संयुक्त से तो अभ्यास है सैन्य संयुक्त से तो अभ्यास कौन सा है दोस्तों ये तमिल तमिल दो हजार चौबीस का आयोजन किस देश के बीच किया गया है सेशल्स के बीच किया गया है दोस्तों और अगला क्वेश्चन था कि व्लादिमिर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं रूस के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों पांचवी बार और अगला क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी डी के रूप में किसे घोषित किया है शीतल देवी राइट आंसर था अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरस्वती सम्मान 2024 से किसे प्रदान किया गया प्रथमा वर्मा को ये सम्मान दिया गया है दोस्तों सॉरी प्रभा वर्मा को इसको परभा वर्मा को यह सरस्वती सम्मान 2023 मिला है दोस्तों और अगला क्वेश्चन था स्टार्टअप महाकुमे की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुम्भ की शुरुआत हुई है अगला क्वेश्चन था पहली बार फार्मूला फोर का पहली बार फार्मूला का, कार फोर कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन था केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है शेफाली शरण की दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर था तो दोस्तों ये था करंट अफेयर का सेशन वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों बहुत मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना घंटी का बटन जरूर दबाइएगा उसको ऑल पे सेट करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इसी पीडीएफ की इसी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक मिला है वो मिलेगा दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में विकास जी के क्लासी टेलीग्राम ये आप फॉलो कर लीजिएगा वहाँ आपको सारा पी मिल जाएगा दोस्तों और फॉलो करें विकास जी के क्लासी विकास जी के क्लासी फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासी इंस्टाग्राम पेज आपको भी फैक्ट के साथ क्विज मिलते हैं दोस्तों तो मिलते हैं शाम को आठ बजे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद